दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक कबूतर देखा है। हमारे कबूतरों के साथ आके एक कबूतर बैठ गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उड़ ना जाए। मगरिब के टाइम आके ये बैठा था दोस्तों, मतलब इसे तकरीबन आधा घंटा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये बैठा हुआ है और हमारे पुराने कबूतर, ये दोनों ऊपर है, ये आके बैठा हुआ है। मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे देख लिया था लेकिन मैंने पकड़ा नहीं। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये एक पता नहीं किसका उड़ के आके बैठ गया दोस्तों। ये हमारे कबूतर के साथ, वो कबूतर हमारा जो ऊपर बैठा है वो उड़ा था और उसके साथ आके पहले ये ऊपर बैठ गया और उसके बाद ये नीचे आके बैठ गया। तो दोस्तों मैं लाइट ऑफ करके इसे पकड़ूंगा, रोशनी में इसे देखें नज़र आने लग गया। मैं जल्दी से लाइट ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों लाइट ऑफ कर ली है, इसे हम पकड़ते हैं। पकड़ लिया दोस्तों, कबूतर पकड़ लिया मैंने। दोस्तों ये हमारा पहला कबूतर है, वो नीचे पुराना कबूतर, और ये मैंने एक्स्ट्रा कबूतर पकड़ लिया दोस्तों। ये देखे, ये हमारे पुराने कबूतरों के साथ आगे बैठा हुआ था। मैं लाइट ऑन करता हूँ। ये देखे दोस्तों, जब ये आके बैठा ना ऊपर था वहां पे, मैंने ना मुझे मतलब फील हो रहा था कि दो कबूतर उड़े हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये दोनों अपने वाले उड़े हैं। फिर मैंने आगे देखा कि यार ये कोई सीन और ही ना हो। तो दोस्तों जब मैं आके इधर देखा, मैंने पहले स्पीड में विंडो खोली और जब मैंने इसको देखा, इसको यहाँ पे बैठे हुए ऊपर, तो मैंने फौरन से ये विंडो बंद कर दी। तो दोस्तों फिर मैं कितनी देर वेट करता रहा, उसे वेट करूँ। ये देखा रात हो गया, मतलब अभी शाम का टाइम है। तो दोस्तों जैसी मगरब की अजानी हुई, ये नीचे आके बैठ गए यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इसका कब से वेट कर रहा था, पहले मैं इसे पकड़ने लगा, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि माशाल्लाह हमारे घर में एक कबूतर आके बैठा है इस कबूतर के साथ। दोस्तों ये जो ऊपर कबूतर बैठा ना, जो हमारा उड़ जाता है, काफ़ी देर उड़ता रहता है दोस्तों, इसके साथ आके बैठा। हमारा कबूतर बैठा हुआ था वो सामने क्रेट पे, और ये जो कबूतर है नए वाला जो अभी पकड़ा है, ये यहाँ पे आके बैठा हुआ था। इसको ना एक काम करते हैं, अंदर जाके छोड़ते हैं और देखते हैं ये मेल है या फीमेल। तो दोस्तों आज फर्स्ट टाइम हमारे बाहर वाले कबूतर के साथ आके एक कबूतर बैठा। मैं बाहर की लाइट ऑफ कर लूँ, हम चलते हैं बाहर। तो दोस्तों मैं बाहर आ गया हूँ अपने इस कबूतर को लेके। ये देखे दोस्तों, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे तो ये उड़ भी नहीं सकेगा, छोटी छोटी फिंचेस नहीं उड़ सकी, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये बीमार है, हेलो उड़ो। नहीं दोस्तों बीमार नहीं है, ये तो अच्छा खासा उड़ता है दोस्तों। इसे मैंने अभी पकड़ा है भाई से। कोई उधर कैट्स हैं, उधर बहुत कुछ है, उधर नहीं जाओ। तो दोस्तों ये हमने कबूतर पकड़ लिया। ये मेल है या फीमेल है ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। वो दिलबर को क्या हुआ है? दिलबर क्या हुआ है, शोर क्यों कर रहे हो? दोस्तों मैंने लाइट्स ऑन कर ली है, ये वाला हमने कबूतर पकड़ लिया दोस्तों। ये देखे कितना प्यारा है, ये मुझे मेल लग रहा है। तो दोस्तों ये मुझे मेल, कंफर्म मेल लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम दूसरे कबूतरों को भी खोलते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। अगर ये मेल है तो दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ पर भी मेल है, नीचे भी मेल है, इधर भी सारे मेल हैं। एक और मेल हमने पकड़ लिया है दोस्तों। इसको हम बाहर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बाहर से ये दोबारा उड़ जाएगा, इसे हम रखेंगे अंदर ही। जैसे हमने पहले एक कबूतर पकड़ा था तो उसको यहाँ पर रख दिया था, तो दोस्तों इसको भी यहाँ भी कहीं पर एडजस्ट करेंगे। तो काश ये फीमेल हो और ये मेरा पेयर बन जाएगा किसी एक मेल के साथ, क्योंकि मेरे पास सारे मेल हैं। ये देखे दोस्तों इनके काम देखें, बटेरों ने सारी मट्टी बाहर निकाल के फेंक दी है। देखे दरवाजा भी खुला हुआ है और मट्टी भी बाहर निकली, और देखे इन्होंने अपने पानी पीने वाली डब्बी की हालत क्या कर दी है। दोस्तों ये बड़े गंदे हैं बटेर, इनके लिए बुरा ही बेस्ट था। मैं एक दो दिन में इनकी सफाई करूंगा दोबारा से और इसमें बुरा दोबारा से डाल दूंगा, क्योंकि मिट्टी के साथ इन्होंने सारा गंद कर दिया हुआ है। और दोस्तों ये देखिए डर के यहाँ पे बैठ गए। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह हमने पहले पकड़े थे, मैं आपको दिखाता हूँ किधर है। ये देखे दोस्तों, पहले हमने ये पकड़ी थी, ये देखे ये, और इसका कलर उसका कलर सेम सेम है दोस्तों। वो देखे एकदम सेम, मुझे तो लगता है ये किसी एक ही भाई के उड़ के आ रहे हैं, तो मैं पकड़ी जा रहा हूँ। दोस्तों ये वाली तो मैंने पकड़ी थी दूसरी विंडो से, मतलब के अंदर वाली साइड से पकड़ी थी। वो हमारे बाहर वाले कबूतरों के साथ आगे बैठी हुई थी, बैठा हुआ था, मुझे मेल लग रहा है। दोस्तों एक काम करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये ना मुझे थोड़ा फ्रेश नहीं लग रहा, मार बमार लग रहा है, या ये रात का टाइम है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। ओए इसको नहीं मारना, हमारे तोते के पास आके बैठ गया था, हमारे पोपट के पास। नहीं है सही है, ये वैसे रात का टाइम है, पता नहीं कहीं से उड़ उड़ के आया है, तो थका हुआ है इसलिए ये इस तरह ना
क्या हुआ है, क्या हुआ है, आपको पता था आज मैंने पकड़े जाने? तो दोस्तों है ये फ्रेश, दोस्तों है ये फ्रेश, वैसे थका हुआ है, पता नहीं किधर से उड़ के आया, किन के पता नहीं, जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर से आसपास से कहीं से आया है, या हो सकता है कहीं दूर से उड़ के आया हो, तो अभी ये मुझे भी नहीं कंफर्म। तो एक काम करते हैं, हम दूसरे कबूतर खोलते हैं, तो फिर देखते हैं उन कबूतरों का रिएक्शन इसके साथ। जी दोस्तों कबूतर मैंने खोल लिए हैं, ये देखें माशाल्लाह से, और इनको दाना मैंने नहीं दिया, जो मैंने कबूतर पकड़ा वो मैंने अपनी बैक साइड पे छुपा के रखा हुआ है। अब इसे आगे लेके आते हैं और इन सब का रिएक्शन देखते हैं कि ये सब क्या करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कैमरा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ सही से नजर आए। कैमरे को जूम आउट कर लिया, अब आपको सही से नजर आएगा, और ये मैं इसको लेके आ रहा हूँ सामने, ये देखे दोस्तों ये आ गया, ये आया मेरे पास। और दोस्तों ये दो कबूतर आ गए और वो भी आ गए, तीसरे वाला भी आ गया, वो भी आ गए, सारे कबूतर मेरे आसपास आ गए हैं दोस्तों, जो मेल हैं वो सारे मेरे पास आ गए हैं। ये देखें दोस्तों ये तो इस साइड, वो देखें किधर जाके बैठ गए। दोस्तों मैं इसे इधर ही पकड़ के रखूंगा, मैं रिएक्शन देखता हूँ। मैंने इनको अभी दाना नहीं था दिया, पहले मैं देखना चाह रहा था कि ये कबूतर नए कबूतर को देख के अपने घर में क्या रिएक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये तो नीचे बोलने लग गया बिल्कुल, हाँ जी ये देखिए, इसको मेरे से डर भी नहीं लग रहा वैसे, ये देखे मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, ये देखे दोस्तों मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, अपनी फिंगर लगा रहा हूँ, उसे डर ही नहीं लग रहा, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। ओह लड़ाई हो गई, इसको मारने लग गया दोस्तों, ये देखे इसके ऊपर आगे बैठ गया दोस्तों, इसे डर ही नहीं लग रहा कि वो मेरे हाथ में, और देखे उसे मार रहा है, वो आ गया है दूसरे वाला भी। दोस्तों कबूतर आ रहे हैं लेकिन मेरे से डर भी रहे हैं, इसलिए आ जा रहे हैं, पास आते हैं फिर चले जाते हैं, पास आते हैं फिर चले जाते हैं। ये ऊपर आके बैठ गए, ये दोस्तों इनके रिएक्शन देखें कितना प्यारा है, सारे आ गए मेरे आस पास। दोस्तों दिस इज हाउस श्याम अली, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो दोस्तों माशाल्लाह से आज हमने एक और कबूतर पकड़ लिया, तो इसको मैं छोड़ने लगा क्योंकि देखे दोस्तों मेरे पास कबूतर आ रहे हैं, तो इसको मैं प्यार से छोड़ देता हूँ, चलो जाओ। वो देखे दोस्तों कबूतर इसके पास आ गए हैं सारे, मतलब वो देखे दोस्तों माशाल्लाह से इसको भी छोड़ दिया, और अब इनका रिएक्शन देखेंगे कि ये क्या करते हैं। तो दोस्तों इन सबका रिएक्शन बहुत मज़े का होता है जब कोई नया कबूतर हमारे घर आता है। ये भी मैंने पकड़ा था, वो भी मैंने पकड़ा है, ये वाला पहले पकड़ा था और वो वाला आज मैंने अभी आप लोगों के सामने पकड़ा है। दोस्तों मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि बाहर वाले कबूतरों के साथ आके कोई कबूतर बैठेगा, लेकिन दोस्तों मुझे आज बहुत खुशी है कि माशाल्लाह हमारे बाहर वाले कबूतरों के साथ आके एक नया कबूतर बैठ गया। और दोस्तों अगर मैं इसे पहले पकड़ने की कोशिश करता इसने उड़ जाना था, क्योंकि उस टाइम रोशनी थी और बैठा भी ऊपर था। तो दोस्तों जैसे ही ये नीचे आया मैंने कैमरा ऑन किया, लाइट ऑफ की, और मैंने इसे पकड़ लिया, आप लोगों को भी दिखाया, खुद भी इसे पकड़ा, ये देखे दोस्तों ये है। और दोस्तों आज मैं अपनी फिंचेस के लिए नए घर भी लेके आया था, इनके बॉक्सेस मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखे दोस्तों ये लेके आया था और एक ये दोनों चीज़ें दोस्तों ये देखें ये मैं लेके आया हूँ आज अपनी फिंचेस के लिए। फिंचेस के लिए पहले मैंने सोचा था खुद बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत खुद करनी है, इसे बेहतर बाजार से लेके आ जाता हूँ। देखें एक ये लेके आया हूँ बाजार से, कबूतरों के रिएक्शन देखें दोस्तों, कबूतर तो मतलब उसको मारने लग गए हैं, उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए। तो दोस्तों ये देखें एक ये लेके आया हूँ अपने फिंचेस के लिए। तो दोस्तों एक ये घर लेके आया हूँ, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अगर किसी को ये वाला पसंद हुआ इसमें चले जाएँ, ये वाला पसंद हुआ इसमें चले जाएँ। ये देखें दोस्तों ये यहाँ से भी खुल जाता है, ये देखें यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से बंद हो जाता है, और ये सारा सेटअप है। तो दोस्तों ये देखें मैं नेस्टिंग मटीरियल भी ले आया हूँ, ये देखें ये सारा लेके आया हूँ इनके नेस्टिंग के लिए, माशाल्लाह देखें कितना प्यारा है। तो ये एक किस्म का झाड़ू ही लग रहा है। तो दोस्तों ये इनकी नेस्टिंग के लिए है, अभी ये मैं खोल के सब पिंजरों में रखूँगा, क्योंकि घास दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं थी नज़र आ रही कि घास को ये उठाएंगे या नहीं, तो मैंने फिर सोचा कि आज ख़रीद ही लेते हैं इनकी नेस्टिंग के लिए ये वाला सेटअप। तो दोस्तों ये भी ले आए, ये अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पर लगा देंगे, पहले कबूतरों का देख लें। अब ये काम करते हैं कबूतरों को हम दाना दे लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो इस तरह पागल ही रहेंगे, तो एक काम करते हैं दाना दे लेते हैं। वो देखें इनको इतनी सख्त भूख लगी है, ये पेयर यहाँ से खाने लग गया, और जो हमने पहले पकड़ा था ना वो यहाँ से खा रहा है, ये देखें दोस्तों इस पिंजरे में चला गया। तो
दोस्तों दाना मैंने इनको डाल दिया है, देखो खाने लग गए और ये भी बाहर आ गया। पेड़ सबसे पहले नीचे गया और ये भी बाहर आ गया। और अगर ये फीमेल हुई तो ये पेड़ बहुत अच्छा लग जाएगा। इसका पेड़ मैं लगाऊंगा इसके साथ, ये वाले के साथ जिसके पाँव पे बाल हैं दोस्तों। ये जो अभी पानी पीने आया इसके साथ इसका पेड़ लगाऊंगा। आज मैं एक काम करता हूँ, बंद भी इसके साथ ही इसको करूँगा। वो देखें दोस्तों, वो एक कबूतर अंदर चला गया, वो ऊपर देखें दोस्तों वो चला गया अंदर। माशाल्लाह से हमारे कबूतर कितने फ्रेश हैं। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशाल्लाह कबूतर ज़्यादा होने लग गए हैं। दो कबूतर मैं अभी तक पकड़ चुका हूँ, मुझे इतनी खुशी है। दोस्तों कबूतरों को मैंने बंद कर दिया है और मैंने जो कबूतर पकड़ा है उसको मैंने रखा है इधर, इसको एक कबूतर के साथ रखा है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों जिसके पाँव पर बाल थे मैंने इसके साथ इसको बंद कर दिया, ये हमने पकड़ा है। और ये वाला मैंने पकड़ा है और वो पुराने वाला मेरा कबूतर है, इसके साथ इसको बंद कर दिया। वो जो पुराने वाला है वो पहले यहाँ पे था, यहाँ से इसको निकाल के इधर रखा है, और जो यहाँ पे था उसको वहाँ पर रख दिया, बंद कर दिया। तो दोस्तों एक पेयर नीचे हो गया, एक पेयर ऊपर। तो सुबह एक दफ़ा फिर देख लूँगा ये मेल है या फीमेल है, लेकिन फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। तो दोनों नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इनको बंद कर दिया। और दोस्तों अब एक काम करते हैं, हम बाकी परिंदों को दाना पानी दे देते हैं और अपनी ये नेस्टिंग इस पिंजरे में रख देते हैं फिंचिस के, और यहाँ पर ये दोनों घर लगा देते हैं। और दोस्तों चले हैं जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। तो जी दोस्तों दाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, अब हम इनके पिंजरे में लगाएंगे ये वाला घर इनके पिंजरे में। तो दोस्तों चले हैं ये लगा लेते हैं। तो जी दोस्तों फिंचेस का पिंजरा भी सेट कर दिया, बॉक्सेस लगा दिए हैं, हाउस यहाँ पे लगाया है, इसके ऊपर टोकरी लगा दी है और एक बॉक्स वहाँ पे लगाया है और उसके नीचे भी एक बॉक्स है। और दोस्तों इसमें नेस्टिंग मटेरियल भी रख दिया, ये वाला थोड़ा सा बच गया, ये वाला ये अब रखेंगे हम इनके केज में लव बर्ड्स के। और दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर भी मैंने रख दिया नेस्टिंग मटीरियल, और हमारे जितने भी बर्ड्स थे सारे यहाँ से भाग गए, मतलब फिंचेस वगैरह। वो देखें एक मेल वो बैठा हुआ है और डायमंड डव मेल, इसको हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लिया। अगर हम स्पीड ना दिखाते तो इसने भाग जाना था। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले छोड़ते हैं क्योंकि ये सबसे पास था। तो दोस्तों एक हमने डायमंड डव मेल छोड़ दिए, और दोस्तों बाकी हमारे फिंचेस वो देखें सामने बैठी हुई हैं। ये आज काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से आज़ाद हो गई थी, जिस तरह पहले ही आज़ाद रहती थी। दोस्तों इनको जल्दी से हम पकड़ लेते हैं और जल्दी से पिंजरे में छोड़ते हैं। वो देखें दोस्तों मेल कितना खुश है बाहर, ये देखें बोल रहा है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये बोल रहा है दोस्तों। तो एक काम करते हैं जल्दी से इन्हें पकड़ लेते हैं। एक किधर है, स्ट्रॉबेरी फीमेल यहाँ पे भी थी दोस्तों, ये अब ढूंढनी पड़नी। वो देखें दोस्तों ये इस पिंजरे में गई हुई है, इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये पकड़ ली दोस्तों, ये तो यहाँ से पकड़ी गई है जिसकी एक टांग है, इसको भी यहाँ पे छोड़ते हैं। वो चलेगी दोस्तों, वो देखें बॉक्स के अंदर चली गई है सीधा, वो वहाँ पर चलेगी है। और दोस्तों बाकी जो है वो थोड़ी मेहनत लगेगी इनको पकड़ने में। जी दोस्तों सारे फिंचेस को मैंने छोड़ दिया इनके पिंजरे में और डव्स को भी छोड़ दिया। देखें दोनों डायमंड डव बैठी हुई हैं, और सबसे पहले हमने छोड़ा था ये मेल डव को। और दोस्तों ये देखें हमारी फिंचेस थोड़ा थक गई हैं, थोड़ी देर तक ये अपने देखेंगी घर को कि क्या क्या चेंजिंग हुई है। और दोस्तों सारी नेस्टिंग भी रख दी है इनके पिंजरे में, थोड़ी सी मैंने नीचे भी रख दी थी, अगर किसी को चाहिए हो तो यहाँ से उठा कर लेके जा सकती हैं। और इनके पिंजरों में रख दी थी, ये जो थोड़ी बच गई है इसको हम रखेंगे थोड़ा सा इसमें, मतलब अपने लव बर्ड्स के लिए, और बाकी हम सेव कर देंगे इस चॉपर में। मैंने हर चीज़ रेडी रखी हुई है दोस्तों, फुल थक गई हूँ क्योंकि फिंचेस को पकड़ते पकड़ते फ़ैन ऑफ करके फिंचेस को पकड़ा है, और दोस्तों बस हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल ज़ू लाइफ को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। अपना